आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह के प्रदेश व्यापी आंदोलन के आह्वान पर मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्षा क्षेत्र में राफेल घोटाले को लेकर नगर निगम की रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार मुक्त मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज भारतीय जनता पार्टी पर राफेल मुद्दे को लेकर लग रहा है। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने इस मामले की SIT गठन करके निष्पक्ष जांच और दोषियों पर उचित कार्यवाही की मांग किया। इस अवसर पर राजेश पांडे, उमेश राय, कलीम अरशद, जनार्दन सिंह, तारिक अनवर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वैभव जायसवाल ने कहा, चेहरे पे जो लाली है, चेहरे पे जो लाली है, चेहरे पे जो लाली है, मैं वैभव जायसवाल। आज आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन पर उतरी है। आंदोलन जो है वो राफेल में जो दलाली की गई है, केंद्र सरकार आज जो राष्ट्र में भ्रष्टाचार मुक्त अपने आप को कहते हुए सत्ता में आई थी, आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप अगर लग रहा है तो केंद्र सरकार के ऊपर लग रहा है और राफेल के लिए लग रहा है। राफेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौदा था हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारी सेनाओं के लिए। 126 फाइटर प्लेन हमें चाहिए थे, जिसमें सिर्फ 36 फाइटर प्लेन इन्होंने सौदे में अपना लिया। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है उसमें कि जो राफेल 540 करोड़ रुपए का पिछली सरकार ने सौदा तय किया था, आज उसे 1600 कुछ करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। आज 1670 करोड़ में खरीदने का कारण क्या है, ये हम पूछना चाहते हैं। क्यों खरीदा जा रहा है 1670 करोड़ में? क्या उसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए हैं जिसे वो देश की जनता को बता नहीं सकते हैं? सुरक्षा का कारण देते हुए बताया तक नहीं जा रहा है। आखिर ऐसे क्या उपकरण है जो इतनी महंगे कर दिए गए उस राफेल को? किस प्रकार के उपकरण आप यहाँ पे बनाएंगे? और बनाने में सबसे बड़ा जो आपका आज प्रश्न है कि HAL कंपनी, जो हिंदुस्तान की बहुत पुरानी कंपनी है और लड़ाकू विमान बनाने में एक्सपर्ट थी, और 17 दिन पहले बनी हुई कंपनी रिलायंस की कंपनी, जिसे आपने उसका ठेका दे दिया, और पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय ने भी ये भी कह दिया कि भारत की तरफ से ही उनका नाम लाया गया था, ये उनके किसी भी प्रकार के प्रकरण में जो आप देख रहे हैं कि हर वक्त भ्रष्टाचार मुक्त होने का इन लोगों ने वादा किया था, उसमें कहीं ना कहीं देश के गरीब जनता के पैसे को लुटाने का प्रयास किया जा रहा है किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी ना किसी राजनेता के ऊपर। हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदय से कि SIT का गठन करके इसका निष्पक्ष जाँच किया जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।